सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं पहुंच चुका हूं सिरमौर। तो ये पीछे आप मेरे पहाड़ी देख सकते हो, ये है चूड़धार की पहाड़ी। और आज वेदर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत हो रखा है। तो इससे पहले जैसे कि गर्मियां भयंकर वाली गर्मियां हो रखी थी, तो अभी जैसे यहाँ पे 2-3 बारिशें हुई हैं, तो उससे जो है वेदर है बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है। अभी मैं टी शर्ट में हूँ तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है सर्दी सी महसूस हो रही है, और मतलब कि अच्छा क्लाइमेट हो रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आजकल जो है चूड़धार भी बहुत ज़्यादा यात्री जो है जा रहे हैं। तो आज जो है हम नौराधार को एक्सप्लोर करेंगे, और नौराधार की जो है मार्केट और जो शिरगुल देवता का प्रसिद्ध मंदिर आता है गेलियों में, वो मैं आप लोगों को आज कवर करके दिखाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से जो है ये विशाल का है चूड़धार का जंगल है वो दिखाना चाहता हूँ। तो ये बान का जंगल है जिसमें जो है ये झरने बहते हैं, और इन झरनों की आवाज़ जो है बहुत खूबसूरत आती है। तो आगे चल के एक वहाँ पे झरना आता है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। तो वहाँ जाके अभी हम रुकेंगे। विशाल का है पत्थर यहाँ पे देख सकते हो, जिसके नीचे जो है अभी गाय जो है बारिश से बचने के लिए घुसी हुई है। तो ऐसा कुछ ये पत्थर है, इसके नीचे आप बारिश से बच सकते हो अगर आप बाइक वाइक पर आ रहे हो तो। गर्मियों में जो ऐसी जगह होती है ना यहाँ पर भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे प्लेसेस को। तो यहाँ पे ऊपर जो है नहाने के लिए भी बना हुआ है, तो भाई मैं तो पानी से दूर ही रहता हूँ। तो ये जो पानी है ये चूड़धार के जंगलों से आ रहा है। ये है विशाल का जंगल ऊपर। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये झरना है जो कि यहाँ पे निकल रहा है इसका पानी। तो ये कुछ नेचुरल ब्यूटी है सिरमौर की। अब चलते हैं नौराधार की ओर। सो गाइस ये है नौराधार की छोटी सी मार्केट। तो जो सोलन से यहाँ पे गाड़ी आती है वो ये सोलन वाला रास्ता जा रहा है आगे, और ये जा रहा है यहाँ पे रेणुका संगड़ा के लिए, और ये आगे रोड जा रहा है, ये जा रहा है हरिपुर धार के लिए। तो जो चूड़धार की ट्रैकिंग है वो आगे से शुरू होती है, और इस पहाड़ को चढ़ते हुए ऊपर जाना पड़ता है। ये देख सकते हो आप, ये छोटी सी मार्केट है नौराधार की, ये छोटे मोटे गांव ऊपर। तो यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है चूड़धार के लिए। तो अभी यहाँ पे मौसम थोड़ा साफ़ हो चुका है, लेकिन पीछे जो है धुंध थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई। तो अब चलते हैं आगे मंदिर की ओर। तो मंदिर जो है वो इसी रास्ते में आएगा। सो गाइस जो बसेस वगैरह है वो यहाँ पर आगे खड़ी होती है। तो ये छोटी सी मार्केट है, और आए दिन यहाँ पर जो है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा चूड़धार के लिए यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गेट है जहाँ से एंट्री है चूड़धार के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे रूम्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से जो है यात्रा शुरू होती है चूड़धार की। तो यहाँ तक ये मार्केट है, अभी तो आगे तक फैल चुकी है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन में है। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर यहाँ से जो है 2 या 3 किलोमीटर आगे आता है गेलियों का मंदिर। सो गाइस ये जो आगे रोड जा रहा है कंटिन्यू, ये जा रहा है हरिपुर धार। तो अब हम मेन रोड से जो है नीचे की ओर कट जाएंगे। तो हमारे से आगे HRTC भी जा रही है, वो सामने आता है मंदिर नीचे। तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके। पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, जो ये आप देवदार का बड़ा पेड़ देख रहे हो, यहाँ पे शिरगुल देवता का जो मंदिर है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को चूड़धार भी दिखाता हूँ। जो चूड़धार में शिरगुल देवता है उन्हीं यहाँ भी विराजमान है। तो अभी देख सकते हो आप, धूप यहाँ पे आ चुकी है, और दिन में तो आप लोगों ने मौसम देखा ही था कि धुंध वाला मौसम था, और काफ़ी आज जो है गर्मी भी बहुत कम थी। तो मैं बैक कैमरे से आप लोगों को जो है पूरा मंदिर यहाँ पर एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, और चूड़धार का व्यू भी यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस ऐसा कुछ ये मंदिर आप दूर से अभी देख पा रहे हो। यहाँ पे जो है ये स्कूल भी आता है। तो गाड़ी को हमने यहाँ पे जो है पार्क कर लिया है, और ये यहाँ पे देवदार के पेड़ आप लोग देख सकते हो। तो अब मंदिर के अंदर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये यहाँ पे गेट लगा हुआ है। सो ये आप देख सकते हो ऊपर जो है पत्थर, स्लेट वाले पत्थर जो है यहाँ पे लगाए गए हैं छत में, और नीचे ये मार्बल बिछाया गया है। और ये चिनाई आप देख सकते हो कितने खूबसूरत तरीके से जो यहाँ पे चिनाई की गई है, और ये लकड़ी की उसमें जो है प्रतिमा को बनाया गया है। तो सबसे देखने वाली चीज़ जो है यहाँ पे ये देवदार का पेड़ है, जिसमें जो है यहाँ पे
पानी होता है, तो इस टाइप का ये देवदार का पेड़ है जो कि बहुत विशालकाय है और काफ़ी समय से यहाँ पे जो है ये पेड़ खड़ा है। तो इसके बीच में जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको पानी दिख रहा होगा। तो ये जो पानी है ये काफ़ी शुद्ध पानी यहाँ पे माना जाता है। तो ये जो है मंदिर की बैक साइड है, तो ऐसा कुछ है देवदार का यहाँ पे। तो ये आप सामने देख रहे हो, ये झूरधार की पहाड़ी है जहाँ पे अभी बादल है। तो काफ़ी खूबसूरत व्यू जो है इस टाइम यहाँ पे आ रहा है। और सिरमौर तो आप लोगों को पता ही है कि खूबसूरत व्यूज़ के लिए ही जाना जाता है। तो अब चलते हैं अंदर की ओर और वहाँ देखते हैं। अच्छा, स्वयंभू है ये। सो गाइस, यहाँ पे जो है पिंडी है श्रीगुल देवता की। तो ऐसे कुछ जो है अंदर रखी हुई है, और अंदर जो है ये सारा जो है देवदार से बनाया हुआ है। तो ये दरवाजे में भी आप देख सकते हो शिव जी भगवान की जो है मूर्ति बनाई हुई है, और अंदर जो है ज्योत जलती रहती है। तो ऐसा कुछ ही अंदर से मंदिर है, मैंने आपको दिखाया। और ये आप देख सकते हो किस बढ़िया तरीके से जो यहाँ पे चिनाई की गई है पत्थर से। और जो ये है ये लकड़ी में ही जो है मूर्तियों को तराशा गया है। ये बहुत अच्छा व्यू आज यहाँ पे आ रहा है। तो अभी जो है मौसम खुला है, तो ये मैंने आप लोगों को मंदिर यहाँ पे जो है बैक कैमरे से दिखा दिया है। सो गाइज, ये है श्रीगुल देवता का मंदिर जो कि नौराधार में है, और पीछे जो है चूड़धार की विशालकाय पहाड़ियाँ। तो श्रीगुल देवता की ही जो पिंडी है यहाँ पे है, स्थापित है नौराधार में। यहाँ भी जो है माथा जरूर टेके जब भी आप चूड़धार से आते हैं। तो आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। देखते हैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को मैं कहाँ घुमा सकता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ बताना हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।